मैं अत्यधिक आभारी हूँ। इस बार अधिक संख्या में लोगों ने लाभ लिया, बड़ी अनोखी सी बात है। महत्व तो भीड़ का नहीं है कि कितनी भीड़ भी, भीड़ का तो कोई अर्थ भी नहीं है। अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें, यही कथा की सार्थकता है। और मैं देख रहा हूँ कि प्रतिदिन इस बार आपका उत्साह, आपकी जिज्ञासा और श्रद्धा भावना की वृद्धि होती गई। तो आप सबके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। इस बार जो प्रसंग चुना गया था वो भी एक संयोग की बात है कि जो निमंत्रण पत्रिका यहाँ बांटी गई थी उसमें यही दोहा मैंने पढ़ा। वैसे तो बड़ा अटपटा सा लगा कि वो दोहा वंदना का दोहा तो नहीं है, वह तो एक प्रश्नमूलक दोहा है। पर बाद में ही लगा कि शायद प्रभु का ये संकल्प है कि इस प्रसंग पर ही कुछ कहा जाए और उसी के माध्यम से आपके समक्ष कुछ बातें रखी गई। और रखने वाले भी प्रभु ही हैं, व्यक्ति तो एक माध्यम मात्र है। तो आज के समापन में इस प्रसंग पर संक्षेप में दृष्टि डालने की चेष्टा करें। भगवती उमा जो पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री सती थी, महान पतिव्रता और बड़ी ही बुद्धिमती, किंतु धर्म और बुद्धिमत्ता के साथ जिस एक दोष के आने की संभावना रहती है वह दोष उनके जीवन में भी बहुत दिखाई देता है कि जो धर्म कर्म का कुछ अधिक पालन करते हैं या जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता का और धार्मिकता का अभिमान हो जाता है और स्वाभाविक रूप से बुद्धिमत्ता के साथ जब अहंकार जीवन में प्रविष्ट हो जाए या धर्म के साथ अभिमान आ जाए तो इससे बढ़ करके तो कोई दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता है। और इसलिए आप पढ़ते हैं कि विद्या का फल क्या है। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं वर्षा ऋतु में, आपने देखा होगा बादल साधारण के आकाश के ऊपर रहते हैं पर जब बरसने लगते हैं तो बादल नीचे की ओर। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण ये जो बादल ऊपर केवल बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं, वर्षा नहीं कर रहे हैं, वो तो मानो अभिमानी ज्ञानवान के समान है जो अपनी उपस्थिति का परिचय दे रहे हैं। पर ये धन्य है बरसन जलद भूमि नियराय यथा नमन बुद्ध विद्या पाए। जैसे ज्ञानवान विद्या पा करके नम्र हो जाता है, झुक जाता है, वही इन बादलों की स्थिति। तो इसलिए जहां भी ये बात आप पाएंगे तो संस्कृत साहित्य में भी यही बात कही गई, विद्या ददात विनयम, विद्या के द्वारा व्यक्ति विनयी हो जाना चाहिए तभी उसके विद्या की सार्थकता। और इसी प्रकार से धर्म की सार्थकता क्या है, और तब गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा, धर्म में धर्म की बड़ी महिमा। और इस युग के लिए तो ये कहा गया कि सर्वश्रेष्ठ धर्म ही दाल है। तो प्रकट चारी पर धर्म के कलिमन एक प्रधान, येन केन विधि जिने दान करे कल्याण। पर वह दान कैसा होना चाहिए, कोई धर्म के रूप में दान करता हुआ अभिमानी हो जाए तो उसके दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है।
और उस पर गोस्वामी जी ने दृष्टांत किया रामचरितमानस में आम के वृक्ष, आपने वहां भी देखा होगा आम के वृक्ष में जब तक फल नहीं होता तब तक उसकी डालें ऊपर की ओर होती और जो ही फल उसमें लगता है तो आप देखेंगे डालें जो है वो नीचे की ओर झुकेंगे। इसका अभिप्राय है कि दान देने वाला अगर सिर सीधा कर ले अकड़ जाए तो उसने वृक्ष से शिक्षा ग्रहण नहीं किया। वृक्ष जब फल के रूप में दान देने की स्थिति में आता है तो कितना विलम्ब हो जाता है, कितना झुक जाता है। और इसलिए गोस्वामी जी ने यही लिखा कि फल धारण भरी विटप सब रहे भूमि नियर आए पर उपकारी पुरुष जीवी नवनि सुसंपत्ति पाए। जैसे परोपकारी व्यक्ति संपत्ति पा करके दान देते हुए अत्यंत विनम्र हो जाता है का वो इसी प्रकार से यह वृक्ष। तो मानो संकेत ये है कि यदि एक वृक्ष जो इतना फलों का दान देता है वह भी इतना विनम्र हो जाता है तो क्या मनुष्य का ये कर्तव्य नहीं कि वो दान देते हुए अपने आप में विनम्रता का अनुभव करे। और इसलिए गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर शब्द का जो शब्दों का प्रयोग है और उसमें जो छिपा हुआ अर्थ है उस पर आप दृष्टि डालें। इसमें दो शब्द है, भाई डाली में फल लगे हुए हैं तो ये जो फल है बोझ है कि संपत्ति। बोझ में आगे में तो बोझ लिखा हुआ भार और गोहे के अगले भार में लिखा हुआ है संपत्ति। फल धारण भर भिटप सब रहे भूमि निया और परोपकारी पुरुष जिमित नवंस संपत्ति पाए। तो आम में जो फल है हम उसे संपत्ति माने कि आम में जो फल है उसे भार माने। गोहे में तो दोनों शब्द है, पहले है फल धारण और बाद में है नवन संपत्ति पाए। और इस दोहे में वस्तुतः बड़ा सुंदर सूत्र दे दिया गया, लेने वाले का कर्तव्य तो ये है कि वह यह अनुभव करे कि फल तो वृक्ष की संपत्ति है और कितना उदार है कि अपनी संपत्ति हमें दिया। तो ये भावना आने पर कृतज्ञता की भावना का उदय होगा कि वृक्ष ने हमें अपनी वस्तु दी, हमारी भूख मिटाई, कितना उदार है वृक्ष। किंतु वृक्ष को अनुदान क्यों नहीं होता, छूट क्यों नहीं गया। और तब वृक्ष से पूछा किसी ने और वो तो कभी ही पूछ सकता, वृक्षों और पशुओं से और पक्षियों से बात को तो कभी कर पाते, वही उससे कह सकते हैं सोच सकते हैं, साधारण व्यक्ति तो उसे बात नहीं कर सकते। उसने पूछ दिया, अरे भाई वृक्ष तुम इतना नीचे क्यों झुके। तो उसने यही कहा कि हमारे ऊपर कोई भार लगा हुआ हो और कोई भार हल्का करने वाला मिल जाए तो हमें तो उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि हमारा भार इसने हल्का। तो लेने वालों को मैं के प्रति मैं उपकार नहीं कर रहा हूँ, ये बेचारे लेने वाले तो हमारा भार हल्का कर रहे। बस याद रखिए, लेने वाला संपत्ति वाले और देने वाला भार वाले तो दोनों सही स्थिति में। और कहीं लेने वाला मान ले कि मैं इनका लेके भार हल्का कर रहा हूं, जैसे जेब कतरा भी मनुष्य के जेब का भार हल्का कर देता है। तो अगर लेने वाला मान ले कि अरे मैं लेके बड़ी कृपा कर रहा हूँ इनका भार हल्का कर दे रहा और देने वाला मान रहा है कि भाई ये तो मेरी संपत्ति है, तो शब्द तो वही है पर जिसके मुंह से जो शब्द निकलना चाहिए और उसका जो प्रभाव होना चाहिए। इसका अभिप्राय कि लेने वाले के मन में जब कृतज्ञता हो और देने वाले के मन में जब नम्रता हो तो दोनों में सही बात है। इसका अर्थ दोनों लाभ में है और लेने वाले के मन में या तो यही आ जाए कि कौन सी कई लोग को ऐसे स्वभाव के उनको
तेरे परिचित बेटे से नहीं है आज तो निंदा की बात नहीं, लेकिन मानव स्वभाव का दर्शन कभी कभी होता था। कभी अगर किसी व्यक्ति ने दान दिया तो प्रसन्न नहीं होते, कहते कि क्या दे दिया, करोड़ों की संपत्ति रखे हुए इतना दे दिया तो पाया क्या, कुछ नहीं तो संभाल ही नहीं था। अगर कोई वस्तु दे दी जाए तो कहते थे कि वो खराब हो रही होगी, वो उसमें मुझे भी नहीं छोड़ते। अगर मिठाई कुछ अधिक मात्रा में देती तो बोले खराब हो रही होगी तो आपने सोचा होगा इसके पेट में डाल दिया। अब ये व्यक्ति अगर लेने वाले में आ जाए और लेने वाला छात्र के बारे सीधा बुला ले तो बड़ा दरों का दर पाल, इसलिए घाटे में दोनों न रहे। लेने वाले के मन में अभिमान ना आवे, लेने वाले के मन में दीनता ना आवे और साथ साथ कृतज्ञता की भावना आवे, तो देना और लेना दोनों के साथ। इसका अभिप्राय है कि जहाँ धर्म के साथ अभिमान है, जहाँ ज्ञान के साथ अभिमान है, वह व्यक्ति जो है वस्तुतः दोनों श्रेष्ठ वस्तुओं के द्वारा वो ऐसी वस्तु ले रहा है जो नहीं लेना चाहिए। और उसी का संकेत मिलता है सेतु बंध के प्रसंग। लंका में जो लंका और भारत के बीच में जो समुद्र है, कब उसको पार करना है, क्योंकि उस लंका में जनक रंजनी सीता विराजमान है और वो सीता जो मूर्तिमती शांति, शांति कौन नहीं पाना चाहता संसार में, पर उस शांति को पाने के लिए बीच में जो ये विशाल समुद्र है उसे पार करना हो। पर ये समुद्र पार करना सरल तो नहीं है, बल्कि असंभव जैसा है। तो हनुमान जी जैसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो छलांग में समुद्र पार कर। हनुमान जी की बात और है, साधारण व्यक्ति जो है वह तो धीरे धीरे चल सकता है, सीढ़ी से चल सकता है। अब हनुमान जी के जीवन में तो जब छलांग लगी तो छलांग का अर्थ ही ये हुआ, जब आप सीढ़ी से चलते हैं तो धीरे धीरे चलेंगे, छलांग लगाते हैं तो आप शीघ्रता से पहुंच सकते हैं, पर पहुंचने के साथ साथ आप गिर भी सकते हैं। छलांग लगाई और सही स्थान पर छलांग नहीं लगी तो शीघ्रता तो क्या हुई, हड्डी और टूट गई और कई महीनों के लिए वह ऊपर उठने का मार्ग रुक गया। तो छलांग का मार्ग तो केवल हनुमान जी जैसे महान भक्त, महान संत और शंकर के अवतार के लिए संभव है। हनुमान जी की छलांग तो प्रसिद्ध ही जन्म लेते ही जिन्होंने छलांग लगाई तो सीधे सूर्य पर पहुंच गए। कितनी लंबी छलांग रही होगी, और कई लोग समझते हैं कि हनुमान जी को ये भ्रम हो गया, सूर्य को लाल लाल देखा, भूख लगी हुई थी तो सोचा कि ये तो बड़ा ही सुंदर फल है और लाल लाल है, इसी को खा लिया। भ्रम हनुमान जी को नहीं हुआ था, भ्रम तो समझने वालों को है। हनुमान जी इतने ना समझ रहे क्या, जो ये ना समझ पा रहे कि सूर्य के फल है, आप गहराई से विचार कीजिए। और हनुमान जी का जहाँ पर जन्म हुआ था क्या वहाँ आसपास वृक्ष नहीं थे क्या, और उन वृक्षों में फल नहीं थे क्या, और उसका संकेत ये हनुमान जी भूखे हैं। और सचमुच संसार में भूखा तो प्रत्येक व्यक्ति है, और वह भूख शरीर की भी हो सकती है और वो थी मन की भूख और बुद्धि की। तो शरीर की भूख तो पशु में भी होती है, तो मनुष्य में भी अगर शरीर की भूख है तो वो तो पशु में और उसमें कोई अंतर नहीं, पर संकेत कितना अनोखा है। शंकर जी ने पशु के भारत का शरीर पशु का शरीर माना जाता है, पर पशु के शरीर में जन्म लेकर के उन्होंने बताया कि मनुष्य होकर के भी अगर व्यक्ति में केवल शरीर की भूख है तो वो पशु, और पशु दिखाई देने पर भी जिसमें ज्ञान की भूख है उससे बढ़कर के मां मानो और कोई। तो हनुमान जी
ने आसपास बहुत से जो छुटे उनमें फल था, पर हनुमान जी की दृष्टि उन फलों की ओर गई, सूर्य की ओर गई। सूर्य ज्ञान है, सूर्य प्रकाश है। हनुमान जी को हम लोगों की जो भूख है, ये इसी शास्त्र कहते हैं चार प्रकार के फल है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो गायक फलचार का भगवान की कथा से अर्थ भी मिलता है, काम भी मिलता है, धन भी मिलता है, मोक्ष भी मिलता है। पर हनुमान जी ने नीचे के फलों को नहीं स्वीकार किया और उन्होंने ज्ञान का जो केंद्र है, ज्ञान के फल की भूख ही हनुमान जी की भूख है, और वह भूख ऐसी है कि वो तो छलांग लगाने की ऐसी शक्ति है कि एक ही छलांग में उस ज्ञानमय सूर्य को मुख में धारण कर लेते हैं। ये मानो हनुमान जी की पहली छलांग, और हनुमान जी की दूसरी छलांग तब लगी जब समुद्र पार करने पहुंचा है, निज निज बल सब काहू भाखा, और पार जान कर संशय रखा। और तब हनुमान जी छलांग लगाते हैं, और वो छलांग भी कितनी अनोखी। पहली छलांग वह थी जब वो ज्ञान के पास पहुंच गए, प्रकाश के पास पहुंच गए, और दूसरी छलांग वह है जब वो साक्षात भक्त रूपा शांति रूपा सीता जी के पास पहुंच गए। और वहां पर भी हनुमान जी ने यही कहा, सुनो माँ तुम्हें अतिशय भूखा, माँ मुझे तो बहुत बहुत भूख लगी, भूख शब्द नहीं था और अति भूख भी नहीं था, अतिशय भूखा। माँ ने पूछ दिया कितने दिनों से भोजन नहीं मिला, और हनुमान जी ने कहा एक दो दिन की बात नहीं है माँ, मैं तो जन्मजात भूखा, जन्म लेते ही जिसको भूख लग गई क्योंकि अपनी भूख मिटी नहीं। बोले उस बार तो मैंने उस फल के द्वारा भूख मिटाने की चेष्टा किया, गजेंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया। ये जो विषयी होता है वो नहीं समझ पाता है हनुमान जी के उस दिव्य रूप को, और इसलिए उसमें तो विघ्न पड़ा, मैं मूर्छित हो गया, इसलिए वो तो भूख पूरी तरह से नहीं मिटी। तो फिर इसके बाद भी तो इतनी यात्रा करके आए हो यहाँ तक, तो क्या कोई तुम्हें और तुम्हारी भूख मिटाने वाला नहीं मिला? हनुमान जी ने कहा माँ भूख मिटाने वाला नहीं मिला, जो मिले वो खाने वाले। सुरसा ने कहा मैं खा लू, सिनिका ने कहा मैं खा लू, लंकिनी ने कहा मैं खा लू, ये सब तो खाने वाले हैं, खिलाने वाली तो आप ही। ये मानो ही संकेत है संसार में सभी भूखे हैं और सभी एक दूसरे को खाने की चेष्टा में लगे हुए हैं और दूसरों को खा के अपना पेट भरना चाहते हैं। पर जो भूख मिटा दे माँ के पास पहुंच गए और कह लगे माँ कितने सुंदर फल लगे हुए हैं, आश्चर्य। ज्ञान के भूखे हनुमान जी को रावण की वाटिका में फल दिखाई दिए, रावण की वाटिका तो मूर्तिमान मोह की वाटिका, ये मोह जो है वो रावण है, मोह दश मौल, तो मोह की वाटिका ज्ञान के फल को ग्रहण करने वाला मोह की वाटिका में भूख लेकर के आगे। हनुमान जी ने यही कहा कि मोह के वाटिका में जो फल है सतगुणा सुंदर उन्होंने चुना, सुरंग मातुभि अतिशय भूखा लाग देख सुंदर फल रूप, फल बड़े सुंदर। तो फल के दो गुण है, एक सुंदरता और दूसरे मधुरता। तो देखने में जो आकर्षक लगे वो सुंदर है, और खाने में जो मिठास हो तो वो मधुर है। तो सुंदरता वो तो बहिरंग वस्तु है, ये भी हो सकता है कि देखने में फल बड़ा सुंदर हो और मुख में डाल दिया जाए नारायण का फल, आपने देखा हो इतना सुंदर रंग होता है, क्या लाली उसमें होती है, उसके द्वारा साहित्य में तुलना मठो की जाती है, पर उसकी सुंदरता को देख के जरा सब मुंह में डाल लीजिए तो फूक फूक के बिना नहीं रहेगा। हनुमान जी की और माँ की आज संवाद था अनुपाल, माँ मोह की वाटिका के फल को सुंदर है, तो फिर तुम मुझसे ये क्यों कह रहे मुझे भूख लगी,
पर मैं इस वाटिका में जब आप बैठी हुई हो तो मुझे लगता है कि आप यदि चाहे तो ये जो सुंदर प्रतीत होने वाला ये संसार के जो विषय है वो देखने में बड़े आकर्षण, जो व्यक्ति देखता है वो लुभा जाता है। और ये भी कोई कह सकता है कि ये तो व्यर्थ की बात है, अगर विषय का फल मीठा है तो ई को कहा जाता है कि वो कड़वा है। इंद्रायण में तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि वो कड़वा लगता है, पर विषय के फल में तो कड़वाहट नहीं लगती। तो गोस्वामी जी ने तो एक साइड पे उत्तर दिया, गाँव में अगर अंधेरे में किसी जंतु ने काट लिया और ये संदेह हो कि सांप ने काट लिया, दिखाई नहीं पड़ा जंतु, या किसी अन्य जंतु ने काट लिया, तब तो उजेला करके देखा और उतने देर में तो मान लीजिए वो जंतु नहीं दिखाई पड़ा। तो परीक्षा लेने के लिए गाँव में कड़वा नीम का पत्ता खिलाया जाता, अगर वो कहे कि यहाँ मीठा है तो समझ लेते हैं सांप ने काटा, और यदि कहे कि कड़वा लग रहा है तो बड़े चिंता की बात नहीं है, किसी साधारण जंतु ने काटा। तो वो समझे मेरे प्रक्रिया ने व्यंग में कहा कि विषय का कड़वा फल अगर आपको कड़वा लग रहा है तो कोई चिंता की बात है, कोई साधारण कीड़े ने काटा होगा, लेकिन विषय का फल अगर मीठा लगे तो विषय काम भुजंग रसत जब जाही तो विषय निम्ब कटु लगत निकाल। जब काम सर्प किसी को काट लेता है तो विषय का नीम कड़वा भी मीठा लगने लगता है। संवाक्षा राग देख मैं तो मैं देख ही सकता हूं, फल तो बड़े सुंदर है, और तुम मानो इस संसार की वाटिका में हम रहे कि न रहे, विषयों का सेवन करें कि न करें। पर एक उत्तर तो है जो छलांग वाली है जहां ऊपर की ओर हनुमान जी गए, पर अभी तो वो वाटिका में है जो नीचे है, पर वो संकेत ये है, पर ये भक्ति की विशेषता है। ज्ञान का फल पाने के लिए व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो वैराग्यवान हो, सद्गुण संपन्न हो, विशेषता, पर भक्ति की विशेषता यही है। और वो विशेषता माँ के मुंह से प्रकट हुई, माँ ने कहा पुत्र तुम देख तो रहे हो वाटिका में कितने राक्षस घूम रहे हैं। हनुमान जी ने कहा चिंता भय माता मन जाए, इन राक्षसों से हमने डर नहीं रखा, लेकिन जो तुम सुख मानो मन मानो, बस आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर आप आज्ञा दे देंगे तो मैं निर्भीक होकर के फल पाऊंगा, और आप नहीं आज्ञा देंगे तो मैं जाऊंगा भी नहीं। तो भक्ति की विशेषता यही है, मोह की वाटिका है। तो जब ये कहते हैं कि भगवान को देख करके भक्त मोहित हो जाता है, जनक प्रवासिनी स्त्रियां कहती हैं कहो सखी असको तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी। तो मोह जो है अगर ये कह दें कि जो न प्रेम यह रूप निहारी तो बात और, पर कहते जो न मोह तो मोह अच्छा है कि बुरा है, इसका अभिप्राय है। अगर वह मोह केवल वासना और संसार से जुड़ा हुआ है तो बुरा है, पर वो मोह जो है अगर भगवान की दिशा में मोड़ दिया जाए, भक्त शास्त्र की मान्यता यही है कि जो सदवृत्तियां हैं उन्हीं के द्वारा नहीं, जो असद वृत्तियां हैं उनके द्वारा भी भगवान को प्रसन्न किया जा सकता। तो मोह है तो भगवान की दिशा में, तो मोह को भक्ति के द्वारा, और तब भक्त देवी ने सुंदर को मधुर बनाने का एक उपाय बताया, और उन्होंने कहा पुत्र तुम जाओ और रघुपति चरण हृदय धर सूत्री तात मधुर फल खाओ। मधुर और सुंदर शब्द ये दोनों में ही कई संकेत है, तो इसका अभिप्राय तुम जब हृदय में भगवान का को धारण करो तो स्वाभाविक है कि तुम उनको भोग लगा करके ही प्रसाद के रूप में फल को ग्रहण करो। इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुओं को स्वीकार करते हुए भी अगर ये भान बना रहे कि ये भगवान की ही वस्तु, भगवान का बनाया हुआ ही है, और ये तो हम प्रसाद के रूप में समस्त को ग्रहण कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसमें व्यक्ति की भोक्तापन की वृद्धि के स्थान पर प्रसाद की
भावना आ रही है और कथा का संचार हो, और हनुमान जी से माँ ने कह दिया और तब हनुमान जी ने माँ के आदेश का पालन किया, प्रभु को हृदय में धारण करके और जब वो चले उना ईश्वर बैठो भागा फल खाए तरह लागा रहे कहाँ वो भट रखवारे कछु मारे कछु गाय पुकारे। जब हनुमान जी ने ये व्यास बंदरों को सुनाया तो बंदरों ने कहा कि आपने तो आज्ञा का उल्लंघन किया, माँ से आपने ये तो नहीं कहा था कि मैं फल खाने के बाद धाम जाड़ने लगू लड़ने लड़ने लगू, ये आपने कैसे किया। अब उन्होंने कहा मैंने तो माँ से फल ही खाने की आज्ञा मांगी, पर आगे जो मैंने किया वो तो फल खाने का फल फल खाने का फल माने बोले भक्ति की कृपा का फल खाने के बाद भी अगर मोह का बाबल न उजड़े और दुर्गुणों के राक्षसों का विनाश न हो तो भक्ति का फल ही क्या है। जब भक्ति युक्त होकर के व्यक्ति तब भगवान की उस भक्ति की कृपा के फल को चखेगा रस लेगा तो मोह का बाग उजड़ जाएगा और साथ साथ जो दुर्गुण है उनका विनाश करेगा, जो प्रवृत्ति की लंका है उसको जला करके नष्ट कर लेगा और सब कुछ करने के बाद जब पाप पूरा कर लिया लौटे नहीं फल खाया तो फिर वो युद्ध होने लगा, लंका में ले जाए गए तो पूछ में आग लगाई गई लंका जल गई और तब हनुमान जी ने बैराज पर्वत ने कहा तुम विश्राम करके तब आगे बढ़ो। हनुमान जी ने उत्तर दिया राम पाद के ने कहा मोहि कहा विश्राम समुद्र को मानो हंसी आ गई सारे डर गए, तो मैं यही डर रखा होगा कि समुद्र में से उतरा और डूब गया तो क्या हो, ये भाव सागर ऐसे ही है, देही का अभिमान ही ऐसा है, इसमें जो उतरता है वो बहुधा डूब ही जाया करता है, तो तुम नीचे नहीं उतरे ऊपर ऊपर छलांग ला के भाग गए तो मैं तो यही कहूंगा कि तुम नहीं परीक्षा नहीं दे सकते। पर हनुमान जी ने निर्णय किया था समुद्र में तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार करूंगा और स्वीकार करूंगा समय आने दो, विश्राम का निमंत्रण मिला था और जो ही लंका जल गई बस सुंदर सूत्र हो गई। विश्राम सचमुच कब मिलेगा तो जब भगवान राम के पास विभीषण गए तो प्रभु ने विभीषण से पूछा कहो लंकेश सहित तो परिवार कुशल कुठार मास तुम्हारा, कहिए लंका के राजा आप कुशल पूर्वक तो है। विभीषण जी ने कहा महाराज ये प्रश्न भूतकाल के लिए है कि वर्तमान के लिए, अगर भूतकाल के लिए है तो आप समझ सकते हैं कि कुशल होता तो आता क्यों ना, और आपके पास पहुंचने के बाद तो क्या अभी यह पूछना आवश्यक है क्या कि कुशल से है कि नहीं। और उन्होंने कहा अब पद दे अब लगा दिया अब पद दे कि कुशल रहु रहा है जो तुम्हें जान जन लाए। बात कबीरदास जी से कोई मिला शिष्टाचार है कि पूछ देते हैं ये कुशल से तो है आप भी कहते हैं हाँ भगवान की कृपा कह देंगे आप की कृपा कह देंगे। किसी ने कबीरदास जी से पूछ दिया तो कड़ी स्वभाव के साथ उठे बड़े रुष्ट होंगे ये व्यर्थ का प्रश्न तुम लोगों को क्यों सूझता है क्या हुआ महाराज कोई दुर्घटना हो गई क्या। उन्होंने कहा कि दिन रात तुम लोग मिलते हो तो कुशल 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 यही चिल्लाते रहते हो पर हो गया कुशल बोले कुशल कुशल ही के करत जग में बचा न कोई अरे माया मुई न मन मुआ तो कुशल कहते हो। यह माया भी बनी हुई है मन भी बिना हुआ है तो काहे का कुशल है चक्र को केवल दोहराते हैं। और यही बात व्याख्या विभीषण अपने शब्दों में कहते तब लगी कुशल न जीव कह सपने मन विश्राम जब लगी भजत न राम कह शोक धाम तली काम। उन्होंने ये जो भीषण जी ने सूत्र दिया हनुमान जी के चरित्र में सोने के पहाड़ ने कहा विश्राम कर लीजिए समुद्र ने मानो निमंत्रण दिया अरे आइए थोड़ा स्नान कर लीजिए थोड़ा फल खा लीजिए फिर आगे चले जाइएगा। पर हनुमान जी का तात्पर्य था सोने का पहाड़ भी मिल जाए तो क्या व्यक्ति विश्राम पालेगा क्या, जिनके पास अथाह सोना है क्या हुआ व्यक्ति
विश्राम का दावा कर सकता है क्या? और क्या यह रात समुद्र व्यक्ति की थकान को मिटा सकता है क्या? पर हाँ, भाग उजड़ जाए, राक्षस मिट जाए, प्रवृत्ति की लंका जल के खाक हो जाए। हनुमान जी ने पहला काम किया, लंका जली और तब उछल करके समुद्र में उलट पलट लंका कब जारी और कूद परा पूरी सिंधु मनाई। समुद्र में कूद पड़े वो पुराण निरंतर आज स्वीकार करने के लिए तैयार। इसका अभिप्राय यह है, पहले साधक को देह से ऊपर उठना है और बाद में क्या जो सिद्ध संत होते हैं वो देह से व्यवहार नहीं करते क्या? करते, पर एक बार शरीर से ऊपर उठ करके और बाद में जब कोई व्यक्ति देह को स्वीकार करता है तो वो व्यक्ति डूब नहीं पाता। और तपस्या जी ने शब्द लिखा ऊंच बुझाई, ऊंच को बुझा दिया और कोई श्रम, हनुमान जी ने सारा श्रम आज दूर हो गया। इतनी अनोखी बात थी। और उसके बाद अगला शब्द बड़ा सुंदर, क्या इतना बड़ा कार्य, इतने बड़े ये धौल का वध, लंका जैसे नगर को जला दिया, इतना बड़ा कार्य किया है उन्होंने, अब माँ के पास लौटना है। हनुमान जी को नन्हा सा देख करके माँ को पहले संदेह हो गया था। जब हनुमान जी ने कहा माँ बंदरों को लेकर के प्रभु आएंगे और लंका से आपको छुड़ा के ले चलेंगे, माँ ने उस समय देखा हनुमान जी थे नन्हे से, तो उन्होंने कहा कि सारे बंदर तुम्हारे बराबर हैं क्या? ऐसे तो काफी सब वही समान है। वादी तो लंका जलाते समय हनुमान जी जो है हरि प्रेरित तो कई अवसर रहे मंतो विचास अट्टहास करी गर्जा कभी बढ़ लाग आकाश। अब तो यह करने के बाद माँ के सामने जा रहे पहुंच जाते बड़ा रूप लेकर के। गोस्वामी जी ने दो संकेत बड़े महत्व के दिए। हनुमान जी ने अपने शरीर को बढ़ाया, पर बढ़ने के साथ एक समस्या होगी, जब इतना लंबा शरीर होगा तो उसका भार भी तो उतना ही अधिक होगा। तब तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि लंका पर जब हनुमान जी आकाश को छूने वाला शरीर बन गया और आप कह रहे हैं कि वो लंका के सारे घरों के ऊपर महलों के ऊपर दौड़ने लगे, तो कितने दृढ़ थे वो भवन के हनुमान जी के बोझ से छत नहीं टूट गई, मकान नहीं गिर गए। और हनुमान जी के विषय में तुलसीदास जी ने जो सूत्र दिया वो हमारे आप सबके लिए बड़े काम का है। बहुत बड़ा काम कीजिए, बड़ा बनना भी आवश्यक है, छोटा बनना भी आवश्यक है, कब छोटा बने कब बड़े बने ये सब रामायण में इसकी शिक्षा है। लेकिन सूत्र वही क्या, बोले देह विशाल परम हलवाई, शरीर बहुत बड़ा था पर हल्के बहुत। उसका अभिप्राय यह है कर्म बड़ा हो पर अभिमान का भारीपन ना दिखाओ। बस अगर मैं का भारीपन आ गया तो व्यक्ति हल्के बन जाएंगे। उसका अभिप्राय यह है का हनुमान जी को तो ये प्रतीत ही नहीं हो रहा, मैं ये कर रहा हूं। और संसार में सबसे बड़ा बोझ जो है वो तो अहंकार का ही, पर व्यक्ति का कितना बड़ा दुर्भाग्य, संसार में व्यक्ति बोझ को उतारना चाहता है और ये जीव जो है अभिमान सिर पर चढ़ाए हुए है। हनुमान जी ने इस तरह से इस छलांग में जिस तरह से महान पूत बुझाई खोल श्रम धर लघु रूप हो बिल्कुल नन्हे से और जनक सुता के आगे हाड़ भय कर माँ के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। माँ ने पूछा हनुमान तुमने लंका जला दिया, तो मैंने तो सुना था कि रावण के पास ऐसी शक्ति है कि वो आग को बुझा दे मेघ के वर्षा के द्वारा, और मैंने सुना है कि जब सीता ने बताया कि तुम लंका जलाने लगे तो रावण ने बादलों को आज्ञा दिया कि इतनी वर्षा करो कि बंदर भी डूब जाए और लंका भी आग बुझ जाए, लेकिन इतनी वर्षा में तुम्हारी आग बुझी क्यों? हनुमान जी ने चलो को बगड़ करके कहा अगर साधारण आग होती तो बुझ जाती, लंका को मैंने जो जलाया वो दूसरी आग, और कौन सी इस आग से जलाया
वो श्लोक आपने पढ़ा होगा, पढ़ते होंगे प्रार्थना में। बोले उल्लम छंदो सलिलम सलिलम यह शोक अग्निम जलक आत्मजाय। सीता जी के हृदय में जो शोक की अग्नि जल रही उसी से लंका को लगा। बोले मैं तुम्हें जो कष्ट देने जा रहा है, मैंने ये सोचा कि आदमी जो है आपके हृदय में रहने योग्य है, जहाँ प्रभु का निवास है वहाँ इस अग्नि का क्या काम, ये अग्नि तो उसी ललन को जलाने के लिए ही है जो आपके हृदय में इतना कष्ट पहुंचा रही। इस तरह से हनुमान जी का एक मार्ग है छलांग का मार्ग, किंतु बेचारे सब तो छलांग नहीं लगा सकते, और छलांग यदि नहीं लगा सकते तो क्या उपाय। हनुमान जी आते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आप सारे बंदरों को लेकर के चलिए, और तब आप पढ़ते हैं कि समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया। छलांग जो लगा नहीं सकते वो भी पुल के द्वारा, कोई भी व्यक्ति छोटा से छोटा व्यक्ति भी पुल के द्वारा पार कर लेता है। पर वह परमेश सूत्र यही, और वो सूत्र यही है कि पत्थर के द्वारा पुल बनेगा। पत्थर होता तो बड़ा मजबूत है, बड़ा दृढ़ है, किंतु उसके साथ आप समस्या पाएंगे। आप नदी में समुद्र में डाल दीजिए पत्थर, तो पत्थर बोझ के कारण डूब जाएगा, और पत्थर स्वयं ही नहीं डूब जाता, जो व्यक्ति डूबना चाहते हैं वो भी गले में पत्थर बांध देते कि भाई बोझ से डूब जाए। वो कोई ऐसा उपाय निकले कि जिससे पत्थर हल्के हो जाए, नाथ नील अरुंदर है। ये सत्कर्म जो है यही मानो पत्थर है बड़ा दृढ़, बढ़िया से बढ़िया पुल इससे बन सकता है, पर जब तक इसमें अभिमान का बोझ है तब तक स्वयं ही डूबेगा और आपको भी डुबाए बिना नहीं है। इसलिए सूत्र मानो यही है कि धर्म हो पर धर्म का अभिमान, बुद्धि हो पर बुद्धि का अभिमान, साधना हो पर साधना का अभिमान। सती जी इससे मुक्त नहीं हो पाई थी, अभिमान था पवित्रता, अभिमान था बुद्धिमत्ता का, अभिमान था अपनी श्रेष्ठता का, और इसी अभिमान ने उनको इतना कष्ट पहुंचाया, इसी अभिमान के कारण उनको इतनी पीड़ा भोगनी पड़ी। जब भगवान शंकर ने उनका परित्याग कर दिया और ये संकल्प ले लिया कि जिन्होंने सीता जी का नकली देश बनाया, असली भक्ति तो कल्याणकारी है पर भक्ति का नकली रूप किसने बनाया, तो उस नकली का उस वृत्ति को मैं अस्वीकार करूंगा। और वही जब अभिमान छूट गया, और चीजें सूत्र ये पहले जन्म में दक्ष की पुत्री होने का अभिमान, पर जब शरीर छोड़ने लगी तो भगवान से उन्होंने कहा कि महाराज मैं मुक्त नहीं चाहता, ये नहीं कि मैं मुक्त चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरा जन्म हो। तो ये बताइए किस घर में आप जन्म लेना चाहती। तो उन्होंने कहा कि महाराज बस पत्थर की बेटी बना दीजिएगा, पर किसी चतुर की बेटी मत बना, जैसे हिमालय की बेटी बने पत्थर की बेटी। मानो संकेत ये था कि महाराज पिता के अभिमान का फल जीवन भर में रोकिए, अब आप ऐसी कृपा कीजिए। और तब उनका हिमांचल, हिमांचल वाले जो अटल है, जो हिलता नहीं, और साथ साथ जो निवास देता है ऋषियों को मुनियों को सबको, जो अपने स्थान पे दे करके तपस्या और साधना की भूमि है, वहां पुत्री बनी, वहां मैना के रूप में बुद्धि उनकी जननी है, और हिमांचल के रूप में जो दृढ़ निश्चय है उनके पिता है। और वहां जब बुद्धि का जन्म हुआ तो वो बुद्धि परम श्रद्धामयी, परम पवित्र, परम कल्याणकारिणी। और आज जब कथा सुनने के लिए गए थे तो बड़ा सुंदर वाक्य उन्होंने कहा, कई लोग होते हैं और स्वभाव होता है जैसे कभी मिलन हुआ होता है, मैं तो इस संकट को बहुत बार भोगता रहता हूँ, जो वो कभी मिलते हैं तो आशा करते हैं कि जब जितने पहले मैं मिला हूँ तो ये मुझे पहचानते होंगे और पहचानना चाहिए, और वो उनका सीधा सा गणित रहता है कि रामायण याद है, उनके ग्रंथ याद है, तो मैं क्यों नहीं याद रहूँ, अब मैं क्या करूँ, अब वो रामायण याद रखती है तो उन्हें भी याद रखना चाहिए, ऐसे में भुलाने की चेष्टा नहीं करता, पर स्वभाव में भूल जाता हूँ। तो कभी कभी आज भी मैं आ रहा था तो
मैं बड़े संकोच में पड़ गया कि नहीं, सज्जन ने मुझे देखा, वो मैं तो नहीं पहचान पा रहा था, पर उनके मुस्कुराहट से लग रहा था कि वे मुझे पहचानते हैं, कभी मिले होंगे तो मुझसे आशा रख रहे होंगे कि मैं भी पहचानूं। तो ये स्वाभाविक है कि व्यक्ति ये चाहता है कि ये व्यक्ति जो है मुझे पहचाने, जिससे कभी मिले। उतना तक तो कोई बात नहीं, पर कई लोग तो ऐसे अकेले होते हैं कि वो मिलेंगे तो कहेंगे कि आपने मुझे पहचाना, हमें क्या कहूँ, कह दूं कि नहीं पहचाना तो कहेंगे इतने अभिमानी है कि मुझे याद नहीं रखा, और कह दूं याद किया तो भी एक सही बात नहीं है, तो वो भी लोग उत्तर कहना हमको पहचान तो रहा हूँ, तो कहते ऐसे नहीं, आप अपने पहले मेरा नाम बताइए तब मैं समझू, हमें क्या कहूँ, नाम के सारे लोगों का तो याद है नहीं। इसलिए शास्त्रों में पहले बहुत बढ़िया दीदी प्रणाम करते समय आपको स्वयं अपना नाम लेना चाहिए, सामने वाले को संकोच नहीं तो उठाना है, बल्कि लिखा हुआ है प्रणाम करते समय पिता का नाम लिया जाता था, मैं उनका पुत्र प्रणाम कर रहा हूँ, तो समय तो कहीं कहीं निजनामा लगे करण समदंड प्रणाम। और भगवान राम ने भी सती जी को प्रणाम किया तो यही दो निपान प्रभु की प्रणाम पिता समय कभी निजनामा, मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूँ। कितनी सुंदर बात है, पिता के नाम का स्मरण किया, अपना परिचय दे दिया सामने वाले के प्रति, ये प्राचीन शिष्टाचार था, ये लोग बोझ लगता है इसलिए शायद इस तरह का लोग नहीं करना चाहते। तो बड़ी मीठी बात आई, अब पार्वती जी तो शंकर जी की पत्नी है, विवाह हुआ है, उनका नाम तो शंकर जी के द्वारा ही लिखा हुआ है और संसार में दूसरे से, पर जब बैठी कथा सुनने के लिए तो अपना परिचय उन्होंने दिया, ये नहीं था मैं कथा सुनना चाहती, वो तो नए शब्द से इतना घबराई थी, बोले वो मैं इतना कष्ट दे चुका है, अब ये मैं कहूँ कि मैं सुनना चाहती हूँ, तो सुंदर शब्द कहा, पर शंकर जी उस शब्द को सुनकर के मुस्कुराने लगे, क्या बोले कथा जो सकल लोग कही चाई सुन पूछन चाहे शैल कुमारी, मैं जो संसार कार्य करने वाली कथा है शैल कुमारी वो जानना चाहती है, मानो संकेत ये था, दक्ष कुमारी को तो आपने सुनाया नहीं, कम से कम अब शैल कुमारी को तो सुनाई थी, अब वो अभिमान नहीं है, अब तो मैं आपके सामने मेरा एक जन्म समाप्त हो चुका है, ये शैल कुमारी, और आप तो ये कथा क्या है, बोले सारे संसार का कल्याण करने वाली, और इसीलिए भगवान शंकर भी प्रसन्न होकर के कहते संसार में अनेक वस्तुएं हैं, आप दान देते हैं वो भी धर्म है, आप अन्य वस्तुएं करते हैं नहीं, पर ये शास्त्रों में कहा गया कथा का जो दान है वो सबसे बड़ा दान है, उसका अभिप्राय है कि वही अन्य वस्तुओं में तो एक को मिले और दूसरे को न मिले, या एक व्यक्ति को मिले और दूसरा दुरुपयोग करके वो दूसरे को कष्ट भी दे दे, लेकिन ये कथा कहता है के लिए बोले कथा जो सकल लोग का हित है, सारे संसार में प्रत्येक व्यक्ति का हित करना ही इसका कार्य, भूलिते भूलिदा जना, जो व्यक्ति भगवत कथा का वितरण करते हैं मानो उनसे बढ़कर के संसार में दान करने वाला कोई नहीं है, और इसीलिए भगवान शंकर प्रसन्न हो। शंकर जी ने थोड़ा फटकारा भी, थोड़ी आलोचना भी चीज ने कर दिया, क्योंकि जब गुरु ने प्रश्न किया तो प्रश्न के विषय में कुछ नियम, क्या शास्त्र कहते हैं कि अगर आपसे कोई न पूछे तो आप उसे कुछ मत बताइए, कई लोगों को यही रोग लग जाता कि वो अपना जो कुछ भंडार भरे हुए हैं वो पूछे चाहे न पूछे उसके पास लादने के लिए प्रश्न। हमारे प्रत्येक सज्जन मुंबई में जिससे मिलेंगे उसको कोई ना कोई दवा बता दें, तो उनकी याद ऐसी कभी कभी याद आ जाती है कि कोई ऐसे सज्जन मिले जो भला ऐसी वस्तु कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ आगे बता दे, तो आप क्यों पूछते हैं, जिसको जिज्ञासा नहीं है आप उसको अपने व्यर्थ बता रहे हैं, अच्छा अगर कोई पूछे तो बताना चाहिए कि नहीं, बोले पूछे भी तो रामकृष्ण और न जानते हैं न कुछ, अगर प्रश्न करने वाला सही पद्धति से न पूछे तो मत उत्तर सही पद्धति में। अब प्रश्न करने वाला अगर दंड का
परीक्षा की भावना और केवल अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए प्रश्न कर रहा है और पहले से ही उत्तर को तैयार करके आया है। उत्तर तो यह है, देखें इनको या पता है कि तो वो उस व्यक्ति को आप अगर बता दें और उसको न लगे तो वैसे ही आपके मन में शोभ हो, वो भी निंदा की वृत्ति में आवे। इसलिए प्रश्न करने का एक नियम है विनम्र होकर के। गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि आप अगर तत्व ज्ञान पाना चाहते हैं तो आप महापुरुषों के पास आइए, पर जाने के बाद क्या कीजिए, सीधे प्रश्न मत कर दीजिए, पहले नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए। विधि प्रणिपात है और प्रणिपात का नियम क्या है, जब हाथ जोड़ करके आप सिर झुकाते हैं तो सिर क्या है, यही तो बुद्धि का केंद्र है। इसका अभिप्राय यह है कि आप जिस समय प्रणाम करते हैं तो ये स्वीकार कर देते हैं कि हमारी बुद्धि जो है आपसे न्यून है, अगर आपको नहीं लगता तो मत पूछिए। सिर झुकाने का अभिप्राय है हम आपसे बुद्धि में न्यून है, हमारी बुद्धि के समस्या का समाधान है। और हाथ जो है वो कर्म क्या किया जाता है, इसका अभिप्राय की जो आप आदेश देंगे वो उस कर्म का मैं पालन करूंगा, प्रणाम का ये संकेत। और जब साष्टांग प्रणाम करते हैं तो उसका अर्थ है कि पूरा समर्पण मन का बुद्धि का चित्त का अहंकार का। तो इस तरह से भगवान कृष्ण कहते हैं पूछना हो तो विनम्र का प्रणिपात प्रणाम से प्रणिपात और परिप्रश्न फिर प्रश्न अवश्य कीजिए। जो लोग पहले दिन कथा में आए थे वो भी अच्छी संख्या में थे लेकिन उस दिन संशय की महिमा का संकेत किया गया, तो संशय की महिमा यही है कि आप संशय होगा तो कोई प्रश्न करेंगे, पर प्रश्न अवश्य कीजिए पर विनम्रता पूर्वक कीजिए और प्रश्न का उत्तर पाने से ही बस समाप्त नहीं होगा। भगवान ने तीसरा शब्द और जोड़ दिया परिप्रश्न ने सेवा, जिससे आपने प्रणाम करके पूछा है उत्तर दिया है उसकी सेवा कीजिए। पहली सेवा तो ये कि आप सोइए मत, कई लोग जो है निद्रा की ओर बढ़ रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप सुन रहे हैं तो कृपा करके एक सेवा यही है, बहुत बड़ी सेवा है कि आप जो आया है उसे ध्यान से सुन तो लीजिए। इसका अभिप्राय यह है हमारी विनम्रता है, हम ग्रहण करने के कोई जल बरसे तो बरसने के बाद अगर बर्तन गंदा है तो जल गंदा हो जाए, जमीन गंदी है भूमि गंदी है तो जल गंदा हो जाए, लेकिन भूमि बहुत अच्छी हो संगमरमर की हो लेकिन पानी बरसे तो जल तो गंदा नहीं होगा पर उधर बरसा होगा निकल। तो जिन लोगों की बुद्धि मलिन है वो तो बेचारे जो सुनते हैं उसको भी मलिन बना देते हैं, वो मनमाने सुनते हैं, वो सामने वाला कुछ भी कह रहा है वो कुछ भी चाहे जो अर्थ लिए जाने, पर जो बड़े बुद्धिमान होते हैं तुरंत बात समझ लेते हैं ऐसे लोग होते हैं, पर वो संगमरमर के फर्श की तरह इतने चिकने हैं कि इधर सुना उधर बात तो बहुत समझ में आ गई पर टिकी नहीं। इसलिए आप उसको धारण कीजिए, लिखा हुआ है सुमत भूमि फल हृदय अनादि, बुद्धि से सुनिए और हृदय में धारण कीजिए। कितनी सुंदर बात कही, बुद्धि से आप सुनेंगे पर अब जो समस्या ये है कि वो दो कान ही तो है, तो कान और दोनों कान खुले हुए आपने सुना और इधर उधर से दोनों निकल गया। तो एक विद्यार्थी नित्य बड़े नियम से गुरु जी से पाठ सुनता था, किसी ने कहा आप नित्य नियम से पाठ सुनते हैं जो सुनाई, उन्होंने कहा वो तो संभव नहीं तो गुरु जी को निवेदित कर दिया तुम्हें अगर ऐसा सुना तो किस काम कितना सुंदर कर सुने मस्तिष्क से और कान से निकल कान को लाने का माध्यम बनाई, कान को निकालने का माध्यम बनाई तो दोनों संभव है। और उसके बाद जब वो हृदय हृदय गहरा हो मस्तिष्क जो है वो सूक्ष्म हो और तब उसमें वेद पुराण उदर वेद पुराण समुद्र है संत में है, इतनी बढ़िया बात। समुद्र में अगर आप स्वयं जल की में जाए आप जो है जो समुद्र गए होंगे किनारे हम लोगों ने देखा होगा
वो तो एक कड़वी गंदा लीजिए तो बिल्कुल व्यक्ति जो है उसके नमकीन पने से गगन है, वो कहीं आने लगी। उन्होंने कहा देव और पुराण का समुद्र है, स्वयं पीने की चेष्टा कीजिए, लेकिन मैंने आपको उसमें क्या क्या कर मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं। बोले तो संतों पर छोड़ दीजिए, मेघ जो है वो जो जल लाता है वो समुद्र से ही लाता है, लेकिन उसकी विशेषता है कि नमक को छोड़ देता है और जल का मीठा भाग बरसा देता है। तो गोस्वामी जी ने कहा, वो कहते हैं कि वेद पुराण उदी खर सा, वेद पुराण समुद्र है और संत लोग मेघ है, बरस सुमति भूमि, सुंदर बुद्धि की भूमि हो, हृदय में गहराई हो, संत के रूप में दादर बरस है और तब बरस राम सुयस बर पानी। और वो कथा कैसी है, मधुर मनोहर मंगल है। और उसके पश्चात उसको धारण करें और हृदय में धारण करने के बाद फिर क्रिया में उसको उतारे, यही तीन क्रम। कैसा सुंदर कथा का अवतार है, श्री राम ने अवतार दिया त्रेता युग में, कथा का जो अवतार है वो तो तब पूरा होगा जब मस्तिष्क से हृदय में, हृदय से क्रिया में वो हमारे जीवन में आए। तो ये जो हृदय की गहराई है वो मानो पात्र था, जब आप सेवा करते हैं तो मानो पात्र को स्वच्छ कर ले। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, कितने सुंदर ना। आपके पास चश्मा हो, चश्मे का काम तो यही है कि दूर के वस्तु को भी दिखला दे, पर चश्मा यदि गंदा हो तो कुछ नहीं दिखाई देगा। शिष्य के सामने, दर्पण के सामने आप खड़े हैं, दर्पण अगर मलिन हो तो आपको फिर गुरु की क्या आवश्यकता है। फिर गुरु की आवश्यकता है कम से कम आपका चश्मा तो साफ कर दे, आपकी आंख तो साफ करने की दवा दे दे, और साथ साथ अगर दर्पण है तो दर्पण को स्वच्छ कैसे करें। इसलिए गोस्वामी जी जब वंदना करते हैं, बंदो बल कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकल। और उसके बाद बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमिय मूल में ये चूर्ण है गुरु के चरणों की धूल, अमिय मूल में चूरण चारू इस रोग की दवा है, समन सकल भवन जो परिवार मन के रोगों को दूर करने की दवा है, सुकृति संभूतन विमल विभूति ये विभूति है शंकर जी के शरीर में रहने वाली भस्म, मंजुर मंगल मौन प्रसूति जन मन मंजू कर भैया मुकुर मलहर दर्पण सबके पास मन का दर्पण पर वो मलिन हो गया, गुरुदेव की धूल मलिन वैसे धूल पड़ जाए तो शीशा और गंदा हो जाए। गुरु जी के चरण की धूल संकेत यही है कि और धूल मलिनता लाती, लेकिन गुरुदेव के चरण की धूल जो है तो जन मन मंजु मुकुर मलहरणी और किए तिलक गुण गणवस करनी श्री गुरुपद नट मणिगण ज्योति ये दिव्य ज्योति है, दिव्य अंजन है, दिव्य चूर्ण है और यथा स्वंजन अंजदृग सारण सत्य सुजान कौतुक देख शैल बन भूतल भूरि निधान। और फिर उसके पश्चात वो स्वामी जी कहते हैं गुरुपद रजन जो मंजुल अंजन नयन अमीर देश मंजन। और उसके पश्चात कहते हैं अब उस विलोस के चरण धूल के आश्रय के बाद वर्णो रामचरित, अब मैं श्री राम के चरित्र का वर्णन करूंगा। और इसका अभिप्राय देने वाले का पात्र अगर मलिन है तो भी जल बनता है, लेने वाले का पात्र अगर मलिन है तो भी वो जल स्वच्छ रूप में नहीं रहेगा। इसलिए श्रवण करने के लिए व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह स्वयं विनम्र होकर के सेवा भावना लेकर जिसने इस प्रकार से हमें दिया, हम मन से सेवा करें, वाणी से सेवा करें, क्रिया से सेवा करें। जैसा मैंने कहा सेवा का अर्थ केवल धन ही नहीं है, धन से भी सेवा की जाती है, पर धन क्या, मन की सेवा। गुरुदेव ने जो कहा उसके द्वारा हम धन्य होकर के धन्यता का अनुभव करें, मानो जलीय स्थिति आती है। कथा वही जो कथा कवि अगस्त जी ने सुनाई थी वही कथा आज शंकर जी ने सुना रहे, सुनने वाली भी वही है सभी, किंतु आज वो कितनी बदली हुई है, कितनी विनम्र है और कैसे प्रार्थना कितनी लंबी करती है। यही कहती है कि महाराज
आप बुरा मत मान जाइएगा, मैं वही फिर से प्रश्न दोहरा रही हूँ तो आप बुरा नहीं मानेंगे। बस वो यही कह रहे कि आप कि जब मैंने सुना फिर भी अब कछु संशय मन मोड़े करो कृपा बिलवन कर जोड़े, और आपने बहुत समझाया तो समुझे करो जनिक होता। बस ये प्रार्थना कर दिए हैं कि अब आप ऐसी कृपा कथा सुनाइए कि जिससे मेरा रंग हो। तो शंकर जी तो दोनों करते हैं, थोड़ा श्रोताओं को फटकार भी लगा दिया, कुछ काल भी दिया, प्यार की बात भी कह दिया। ये कथा का दोनों काम है, कथा में केवल मिठास ही नहीं होती, कथा में चोट लगाने वाली फटकार भी होती, उसको सहने का अभ्यास डालना चाहिए। इसीलिए तो आपने देखा ही हनुमान जी जब जा रहे थे लंका में और लंकिनी को एक मुख का मारा और दो मुख के बल गिरी और रक्त गिरने लगा, उठ के खड़ी हो गई और हनुमान जी से कहने लगे कि तहा तो मोर रहते पुण्य बहुता देखे उन्हें नाम कर दूता। आज बड़ा पूर्ण से सत्संग मिला, पर कैसी याद आती हनुमान जी ने कथा सुनाई ने भाषण दिया, कहते बड़ा अच्छा सत्संग हो। तो क्या मुक्केबाजी भी कोई सत्संग है क्या? हाँ भाई, कथा में मुक्के भी पड़ते, अगर आपकी भीड़ बहुत मजबूत न हो तो मुक्के की चोट लगेगी, और बहुत मजबूत भीड़ जिनकी हो गई है उनको तो कितना भी मुक्का लगाते चाहिए, वो तो समझते हैं तो लगता ही रहता। तो रावण को भी हनुमान जी ने मुक्का लगा दिया, तो ये तो बड़ा मूर्छित भी हो गया। पर जब उठा तो पहला कब रावण ने ये किया, मूर्छा गई बोझ से जाता, कब बल बिल्कुल सराहन लगा बंदर, मैं तो पहले से जानता कि तुझे छोड़ करके मैंने बराबरी है, बराबरी शरीर तो किसी को मानता नहीं, ये तो नहीं तुमने तुमने मुझे मूर्छित कर दिया तो तुम मुझसे बलवा दो, प्रमाण पत्र मैं देता हूँ। कहा तुम्हें बहुत बल है। हनुमान जी ने प्रशंसा सुनी तो कोई प्रशंसा करे तो सुनने वाले को प्रसन्नता होती, पर हनुमान जी तो गंभीर हो गए और हनुमान जी ने यही कहा ठीक ठीक धिक्कार है धिक्कार। जब दो बार धिक्कार है तो रावण ने पूछा कि एक तो तुम्हें बताओ ये धिक्कार किसको दे रहे हो, तो तुमने दो बार कहा उसका अंतर दो को, तो क्या दो बार मुझे धिक्कार दो, तुमने एक बार तुमको धिक्कार का हो एक बार अपने को धिक्कार का, इसलिए दो बार दिख दिख शब्द तुम सुनने के बाद मुक्का लगने के बाद अगर तुमको लंकिनी की तरह भगवान की याद आती तो मैं समझता कि तुमने हाँ लाभ लिया। तुम लगे प्रशंसा करने, आप किसी बच्चा की कथा सुन के कहें आपको बहुत अच्छी कथा कहते, तो कहे बहुत बढ़िया बात है, क्या बढ़िया बात को कहते हैं पर आपको बढ़िया बात से कोई लाभ हुआ कि नहीं, इसलिए कहा एक धिक्कार तो तुम्हें और दूसरा धिक्कार मुझे है, तुम्हें क्यों धिक्कार है, तुमने तो मुझे मूर्छित कर दिया। हनुमान जी ने कहा जो कर जीवित रहा सुन दो, मेरा मुक्का लगने के बाद अगर जीवित नहीं रह गए तो धिक्कार है मेरे मुक्के का। उसका अभिप्राय रावण मोह है, बोले कथा का मुक्का लग करके अगर मोह मूर्छित नहीं हो मोह न मरे तो कथा विशेष अर्थ नहीं हुआ। इसलिए श्रोता को थोड़ी फटकार के लिए आवश्यकता है, बड़ा फटकार दिया, अच्छा ऐसा तुम संशय करती हो, और फिर तो ऐसे ऐसे शब्द कहे सुनैया साधन नर नसे जो पिशाच पाखंडी हरिपद लोक जावे कुंठन साध, ऐसे शब्दों में कह दिया। अजो न छाया है मृत जी तुम्हारी, आज भी तुम्हारे वो संदेह की छाया पीछे नहीं छोड़ रही है, ऐसे फटकार तो दिया बड़े प्यार से कहा नहीं मैं जानता हूं कि राम कृपा से पार्वती सपने हो तो मन मान शोक मोह संदेह भ्रम मन विचार, मैं समझ गई तुम्हारे मन में कोई संकोच और संशय है वो नहीं है, लेकिन हाँ तुमने बड़ा अच्छा किया, प्रश्न ज्ञानवान बन के नहीं करते हैं अज्ञ बन करके करते हैं, तो पूछे वो रघुपति कथा प्रसंग, तुमने भगवान की कथा पूछी और ये कथा कौन सी, भगवान का संकेत ये था एक बार लोक कल्याण के लिए मूर्खों के उद्धार के लिए भगीरथ ने
मेरे सिर पर जो गंगा थी उनको धरती पर उतारा। पर पार्वती, मेरे सिर की गंगा तो दिखाई देती थी पर मेरे हृदय में भी एक गंगा थी, और वो आज तक गंगा सामने नहीं आई। वो आज तो तुम धन्य हो, जो कार्य भगीरथ ने किया मेरे मस्तिष्क से गंगा को उतार करके शंकर जी के पास दो गंगा, सिर पर वाली गंगा और हृदय वाली गंगा। ये राम की कथा जो है हृदय वाली गंगा है, और ये जो पतित पावनी उदाहरणी गंगा है ये सिर की गंगा है, या इस रूप में जो एक बहिरंग के रूप में बहने वाली गंगा है। उन्होंने कहा पूछो रघुपति कथा कुसंगा सकल लोक लोक जग पावनी गंगा तुम रघुवीर चरण अनुरागी। ये जो प्रश्न जगत हित लागी, मैं समझ गया तुमने बड़ा अच्छा किया प्रश्न पूछ लिया, इस संसार के लिए कल्याणकारी है। और तब वो कथा का तत्व यही है जो बात आपके सामने कल भी कही जा चुकी। चरित्र जैसा चरित्र से तो भ्रम होता है, जो है यही है भी देख चरित्र महिमा सुरत भ्रमित बुद्ध अतिमोल। पर चरित्र को आनंद, उसका आनंद आपको कब मिलेगा जब आप पूरे चरित्र के अंतराल में जो लीला है उस लीला का उद्देश्य क्या है इसको ढूंढने और समझने की चेष्टा करें। घटनाओं को मत पढ़िए, ईश्वर के जीवन में अगर हंसी है, अगर रुदन है, अगर ये सब घटनाएं हैं तो वो तो उनके जीवन में केवल अभिनय मात्र है। बस आवश्यकता इसी बात की है कि भगवान लीला करते हुए अपने चरित्र के द्वारा जो शिक्षा दे, और जो शिक्षा आपके लिए उपादेय है। भगवान जब बल में ले आकर के श्री सीता जी का श्रृंगार करते हैं, उनके लिए आसन लगाते हैं, उनके मस्तक पर भगवान स्वयं तिलक लगाते हैं, ऐसा दृश्य है कि जिसको देख करके और केरा दुनिया धन्य हो जाती है, मुझे दूर से दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। उसका अभिप्राय यह है, उनको लगता है कि कैसा दाम्पत्य जीवन का सुख है। फिर प्रिया को बल में ले आए पर ऐसा सुख दिया कि भगवान राम का बल में रहते हुए क्या करते। बोले यही विधि सी लखन सुख लहरी सोई रघुनाथ करण सोई कर। प्रभु बड़ा ध्यान रहता था सीता जी कैसे प्रसन्न होंगी, लक्ष्मण को क्या अच्छा लगेगा, बस वही काम करना जिससे दोनों प्रसन्न हो। और सीता जी तो इतना स्नेह करती है कि नाग देह नित भरत विलोकी हर्ष तरत दिवसी होगी श्री मन राम चरण अनुराधा। दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए, प्रेम कैसा होना चाहिए, अगर आप व्यवहार की शिक्षा लेना चाहें तो व्यवहार की वो शिक्षा भी आपको श्री राम के चरित्र में मिलेगी। पर वो चरित्र कथा का तात्पर्य सबके लिए एक नहीं होगा। गोस्वामी जी तो बड़े शिष्ट विनोदी भी है, कहने के जब सीता जी और श्री राम के प्रेम की चर्चा मुनियों के पास पहुंची और साथ साथ ये भी समाचार मिल गया कि पत्थर जो है उनके छूने से स्त्री बन जाती, तो तुलसीदास जी ने कविता रामायण में लिखा कि विंध्य के वासी उदासी महाव्रत राशि, कई विंध्य के वासी उदासी सदा सफर राशि सदा बिनु नारी दुखारी, और गौतम तीय तरी तुलसी कथा सुन भे मुनि वृंद सुखारे। जब सुना कि गौतम पत्नी का उद्धार हो गया तो उन्होंने सोचा श्री राम का दाम्पत्य जीवन अच्छा है, हम लोगों ने उसका सुख नहीं लिया, अब विवाह कैसे हो। उन्होंने श्री राम को धन्यवाद देते हुए कहा कोई है शिला सर्वचंद्र मुखी पर से पदम अंजुल धूरी तुम्हारे तो पीनी भरी रघुनायक धू करुणा करिखानन को पकुधारे। अब सारे पत्थर स्त्रियां हो जाएंगी तो उन लोग भी विवाह कर लेंगे और आपके द्वारा आनंद से रहेंगे। अब वो स्वामी जी कहते हैं कि अब तो बड़े पुत्री है, लेकिन लक्ष्मण से कहने लगे कि लक्ष्मण से गए बंद हमारे यहाँ एक सोता जी ने आज पूछा था, तो भगवान राम ने सीता जी से कहा कि महाराज सीते मैं एक लीला करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हमारा जब तक क्या कर रहे थे आप, अभी तो लीला ही कर रहे थे ना। कहने नहीं आज दूसरे तरह की लीला करने जा रहा हूँ। क्या? बोले अलग अलग लीला, लीला का अलग रूप।
पर अब रसुनो प्रिया व्रत मुझे रसुशीला मैं कछु करब ललित नर लीला। मनुष्य की जो आचरण की लीला है और वो तो भगवान ने दिखाया, सीता जी स्वर्ण गुरु पर कह दिया सोने का लिंग लेके रावण आ गया तो कह दीजिएगा बड़ा सुंदर लिंग है ला दीजिए, मैं उसको लेने जाऊंगा रावण हरण करेगा। अब ऐसी बड़ी विचित्र योजना है और योजना ने लक्ष्मण को सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि सोचा कि लक्ष्मण से कहेंगे कि रावण को मारने के लिए मैं ये लीला कर रहा हूँ तो कहेंगे झंझट की क्या आवश्यकता, मैं अभी मार देता हूँ क्या भगवान से कहने लीला तो लीला है। और कैसी बढ़िया बात जो अयोध्या के राज्य को नहीं जिनका लोभ नहीं है, लंका जिनको मिथिला में कोई लोभ नहीं है उस सोने के मृत को देख करके कहे निकला दीजिए पाठ को जो नरलीला नरलीला माने कोई आवश्यक नहीं है, बड़ी वस्तु छूट जाए छोटे पर कभी लोभ आ जाता है। मानो भगवान नरलीला कर रहे थे सावधान निश्चिंत मत हो जाओ कि हम निर्लोभ हो गए और फिर स्वयं मनुष्य के समान बस भागे और भागने के बाद हरण भी हो गया और हरण करने के बाद जब भगवान राम रोने लगे तो पृथ्वीराज जी ने लिखा कि भगवान ने क्या बस उसका उत्तर ये कहीं दिया गया क्या बोले कामिन कह दीनता दिखाई और जोगिन के मन विरत दृढ़ जितने महात्मा थे वो फिर से वैराग्यवान हो गए क्या बोले जब पत्नी ने ईश्वर को भी रुला दिया तो बस हम दूर ही रहेंगे हमारे लिए कुछ आवश्यकता नहीं। विरागी विरागी रहे रागी रात का सदुपयोग करे जो जहाँ है रामायण में जो सबके लिए है वो रागी के लिए है विरागी के लिए है स्वार्थी के लिए है परमार्थी के लिए है सबके लिए है, पर वह कल्याणकारी अर्थ हम ले जिससे हमारे जीवन में अच्छे गुणों की वृद्धि हो स्नेह की सौहार्द की प्रेम की ये वृत्तियां जिस अर्थ से आवे वही अर्थ वह व्यक्ति जो जहाँ है वो